और रूस यूक्रेन में आमने सामने की जंग जारी है। खेरसोन में रूस यूक्रेन के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है। यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को रोका है। रशियन मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया है। रूस यूक्रेन के बीच आरपार की लड़ाई जारी है। भीषण लड़ाई में यूक्रेन के कई शहर खंडहर बन चुके हैं। यूक्रेनी सेना को सबसे ज्यादा बाखमुत में नुकसान हो रहा है। एक विध्वंसक तस्वीर सामने आई है जिसमें BTR-4E आर्म व्हीकल से ताबड़तोड़ बमबारी की गई है। पिछले दो महीनों से बाखमुत में बारूदी शोर सुनाई दे रहा है। रूसी सेना और वैगनर लड़ाके दिन रात यहाँ गोले ताक रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बाखमुत पर रूस का किसी भी वक्त कब्जा हो जाएगा। यूक्रेनी सेना रूसी सेना के आगे टिक नहीं पा रही है। आमने सामने की जंग में कहीं रूसी सेना कमजोर पड़ती दिख रही है तो कहीं यूक्रेन पिछड़ रहा है। खेरसोन इलाके में दोनों सेनाओं के बीच खूनी संघर्ष जारी है। खेरसोन से आई विध्वंसक तस्वीर में साफ दिख रहा है कि कैसे यूक्रेनी सेना ने रशियन मिसाइल को इंटरसेप्ट कर हवाई हमले को रोक दिया। दूसरी तरफ सोलेडर पर कब्जे के बाद रूसी सेना वुलेदर की तरफ बढ़ती जा रही है। वुलेदर में रशियन फोर्स ने यूक्रेनी टैंकों को चुन चुन कर निशाना बनाया है। इस विध्वंसक हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है।